चले फिर। सो इट्स टाइम टू से बाय टू दिस होटल, ड्रीम यार्ड होस्टल। नंबर आ गया है, अगर आना चाहो आ सकते हो, अगर आप इस तरफ आ रहे हो बढ़िया है। ऊपर से देखो विला टाइप लगता है, फ्रंट से बैक साइड से इसका व्यू अच्छा है जो मैंने आपको दिखाया था। चलो चलते हैं, बस ग्लव्स पहन लें उसके बाद हम निकलते हैं कहीं अच्छी सी लोकेशन पे, वो मैं आपको आधे रास्ते में थोड़ी आगे चल के बताता हूँ। चलो जी, सो ये हमारा था होटल से एग्जिट पॉइंट। होटल के उस साइड पूरी लेक है और इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। इस साइड खच्चर है, नहीं इस साइड ये लड़की भी नहीं है। इस साइड क्या है बेसिकली, इधर जाएंगे राइट जाएंगे तो आएगा सिटी पैलेस और लेफ्ट जाएंगे तो आएगी सिटी और यहाँ पे साथ में आएगा जगदीश टेंपल जो कल आपने देखा था। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगा, वो भी आपको दिख जाएगा कि कौन सा ये वाला टेंपल था, जगदीश टेंपल, राइट। सो चलते हैं, बस हमारा ट्रिप यहाँ से होता है शुरू। सो व्हाट्स अप, यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ हैं और मोस्ट ऑफ द जितने भी आप घर देखोगे ना, सारे ऑलमोस्ट एक ही तरह के डिज़ाइन के हैं, जिस वजह से ये थोड़ी लोकेशन बढ़िया सी लगती है। और मैप मैंने लगा दिया, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, हम जा रहे हैं डंप यार्ड। ये बेसिकली डंप यार्ड क्या है, आपने कई मूवीज़ की शूटिंग में देखा होगा कि एक मतलब वाइट कलर के पूरी रेत मार्बल से बनी हुई टाइप की पूरा लोकेशन उसी कलर की होती है। सो मैंने भी जस्ट फोटो देखी तो मैंने कहा यार ये तो अलग लोकेशन है। सो जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी लोकेशन देखी, उन्होंने भी पहले कभी ट्रैवल नहीं किया था इस जगह पे, तो और इवनिंग में उनकी यहीं से ट्रेन है, सो इवनिंग में वो यहाँ पे वापस आ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं, बढ़िया से इंजॉय करके आ जाएंगे हम। सो अभी एक बड़ा मस्त सा जोक हुआ क्या कि हम ना गूगल मैप फॉलो कर रहे थे, गूगल वाली आंटी को फॉलो कर रहे थे, तो हमें जो बोर्ड दिख रहा था वो दिख रहा था वहाँ से जाना है, लेकिन गूगल वाली आंटी कहती कि यहाँ से जाना है। तो हमने कहा लोकल से पूछ रहे थे, लोकल ने कहा कि नहीं ये वाला ठीक है, जो गूगल आंटी कह रही है तो वो सही है। तो पीछे भाई कहता कि कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लड़कियाँ सही बोल देती हैं। तो इस हिसाब से इस बार सही बोला गूगल वाली आंटी ने। ये यहाँ पे सबसे महंगा पेट्रोल क्यों है पूरे इंडिया का, गवर्नमेंट की वजह से। तो इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल जो है वो यहाँ पे है, 109.29 रुपये आज का रेट है। सो कल का पता नहीं ज़्यादा होगा, कितने दिन से यहीं पे रेट घूम रहा है, अगले साल दीपावली तक ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा तो लेके भर के रख ले हैं। अच्छा भाई अगले साल तक वो कह रहे ज़्यादा हो जाएगा पेट्रोल ना, मैं कह रहा हूँ 1000 लीटर भर के रख लो। गाड़ी कैश है सर, गाड़ी कार्ड है या कैश? हाँ कार्ड दे दूंगा, बस पूरा बार तक नहीं भरना चाहिए। इंडिया में रेट तो बहुत का फ़र्क है, यहाँ पे 109.29 रुपये और आपका मुंबई महाराष्ट्र में 106 रुपये समथिंग, और यहाँ पे डेली में 94-95 के करीब। सो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। तो बेसिकली आज का मेरा प्लान क्या है, यहाँ से मैं जाऊँगा डंपिंग यार्ड में थोड़ी देर स्टे करके फोटोज़ क्लिक करके थोड़ा सा वीडियोस बना के वहाँ से मैं निकलूँगा। ये जो भाई है वो वहाँ से उतर जाएंगे, वो बस पकड़ के वापस उदयपुर आ जाएंगे और मैं उसके बाद जाऊँगा कुंभलगढ़ फोर्ट वहाँ जाऊँगा। वहाँ बेसिकली वहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि वहाँ पे 36 किलोमीटर की, उस टाइम पे जो वो राजा थे उन्होंने सिक्योरिटी के लिए
36 किलोमीटर लंबी एक वॉल बनाई थी, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उस तरह की 36 किलोमीटर की वॉल बनाई थी, तो वो बहुत फेमस है वहाँ की। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे आए हैं तो वो भी देखने जाएंगे, और उसके बाद फिर जाऊँगा, फिर पहुँचूँगा आज का स्टे माउंट आबू में। सो ये थोड़ा दोनों थोड़ा सा अलग पड़ रहा है। जैसे सपोज़ मैं अगर यहाँ से जाता हूँ सीधा माउंट आबू जाता हूँ तो ये मेरे को पड़ता है करीब 160 किलोमीटर, लेकिन अगर मेरे को वहाँ जाना है, क्या है आपका, फोर्ट जाना है और उधर से जाना है, तो वहाँ से मुझे पड़ेगा ये पूरा राउंड 200 किलोमीटर। तो एज सच जर्नी आज थोड़ी बड़ी है, तो हमें जो घूमना है वो भी फटाफट घूमना है ताकि उसमें भी हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। भाइयों जब मैं आ रहा था यहाँ पे उदयपुर, तो मैंने आपको एक वीडियो के लास्ट में एक शिवजी जी की मूर्ति दिखाई थी, राइट? तो उसके बारे में मैं बताऊँ तो वो पूरे वर्ल्ड की शिवजी जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी, राइट? तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ जाएंगे। सो ये है यहाँ की पार्किंग। सो यहाँ के बारे में पता था तुम्हें? मैंने जस्ट आते थोड़ा रिसर्च कर लिया। सो ये नाथवाड़ा में है। नाथवाड़ा दो जगहों की, दो चीजों के लिए फेमस है। सबसे पहला 5G यहाँ पे लॉन्च हुआ था पूरे इंडिया का, और सेकंड यहाँ पे शिव जी की जो मूर्ति है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है, और आप टॉप पे भी जा सकते हो, अनबिलीवेबल। चलो चलते हैं। सो अभी तक सेट है, हम सीधा जा रहे थे डंपिंग यार्ड पे, बट ये मिस नहीं करना चाहते थे हम, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। सो अगर ऐसी जगह आओ गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो ये है पार्क एंट्री की, 200 रुपये की फीस है, पार्क एंट्री प्लस व्यू गैलरी 270 से 280 फीट ऊपर तक ले जाएंगे। किधर गए गाइस? दिस इज समथिंग, यहाँ पे हनुमान जी का बना हुआ, और यहाँ से वो शिव जी की जो बनी हुई है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, तो यहाँ पे उसकी एंट्री है। जल्दी आओ जल्दी। सो चलो एक काम करते हैं, चलते हैं अंदर फिर आपको दिखाते हैं, यह बहुत ज़्यादा दूर है। जब आप आ रहे हो तो आपको इस तरह का बैंड मिलेगा जो आपको यहाँ एंट्री दिलवाएगा। अगर आप जा रहे हो यहाँ पे एंट्री के लिए, ऐसे यहाँ से लिफ्ट मिलती है, सो यहाँ जा रहे हो तो इस तरह का बैंड आपको मिलेगा, और एक टिकट और है इल्यूजन की, वो भी है। सो यहां से ये एंट्री होती है। बेसिकली ये है 11th फ्लोर। सो ये देखो ये है पूरा नाथवाड़ा।
और 2012 में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ था और 2022 में ये कंप्लीट हुआ है। 10 साल लगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना है वो स्केल्टन जो बना है वो बना है पूरा स्ट्रक्चरल स्टील से, और जो स्किन बना है वो कॉन्क्रीट से बना है। इसके बाद हम जाएंगे ग्लास ब्रिज के थ्रू 270 फीट लेफ्ट शोल्डर। ये कितने फीट पे था आपने? अभी हम 280 फीट पर। 280 फीट पे, ओके। सो यहाँ पे जो है ये ग्लास ब्रिज है। ओह माय गॉड, ये तो मुझे भी डर लग रहा है। ओह शिट, ओह दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो हमारे ग्रुप में मैं फर्स्ट हूँ जो इस पे जा रहा हूँ, बट इतना भी मुझे डर नहीं लगता। मैं नहीं डरता इन चीज़ों से। सो अगर देखोगे ना, ये ग्लास की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ से थोड़ी सी देख सकता हूँ कि ग्लास की थिकनेस कितनी है। और ये व्यू देख लो, अगर इस पे कोई तेज तेज चलता है तो भी कुछ कितनी कितनी थिकनेस है इसकी ग्लास की? 800 किलो तक वजन झेलता है। अच्छा, 800 किलो तक। सो ये जो ग्लास है ये 800 किलो तक वजन झेलता है। ग्रेट, ओके। ये त्रिशूल है जो सा, ये त्रिशूल है। और यहाँ पे पार्किंग किधर है? ये श्रीनाथ जी की पार्किंग है। हाँ, पार्किंग ये रही, ये किसकी है? श्रीनाथ जी मंदिर की। ओके, श्रीनाथ जी मंदिर यहाँ से भी दिख रहा है श्रीनाथ जी का। ये हेलीपैड है श्रीनाथ जी का। हाँ, ग्रुप का हेलीपैड, तीन हेलीपैड बना हुआ है। ओके, राम कथा हुई थी उस दिन उद्घाटन हुआ था। ये हेलीपैड है, एक हेलीपैड यहाँ बना हुआ है, ये श्रीनाथ जी का हेलीपैड है। ठीक है, और मंदिर इसके पीछे? मंदिर आपको आगे से दिखेगा। अच्छा, आपको पूरा क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। वापस हम यहाँ पे आ गए जो जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये हम लेफ्ट शोल्डर पे आ गए। ये हम लेफ्ट शोल्डर पे आ गए। ओके, 270 फीट। 270 फीट। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे की साइड है। हाँ, 10 फीट नीचे। 10 फीट नीचे आ गया। ठीक है, वहाँ गाड़ी खड़ी करते तो एक घंटा रास्ता है। ये पूरा नाथद्वारा है। ये पूरा नाथद्वारा है। वो श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो महल टाइप दिखा ना, येलो स्टेप। ओके, हाँ, वो श्रीनाथ जी पूरा मंदिर परिसर। तो इतनी दूर पार्किंग? जी सर, यहाँ से ये सीधा जा रहा है ना रास्ता। अच्छा, यहाँ से बहुत दूर पार्किंग, तो बहुत दूर है। सो ये एक ना बच्चों के लिए पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क बनाया हुआ है। गुड। और यहाँ पे देखोगे जैसे जोधपुर में है ना पिंक ब्लू सिटी, और आपका जयपुर में है पिंक सिटी, यहाँ पे भी ये ब्लू सिटी टाइप लग रहा है। इसको भी कोई नाम देते हैं जैसे ये सारे ब्लू, पूरा ब्लू सिटी? हाँ, इसको भी कहते हैं ना। हाँ, क्योंकि मेन ब्लू सिटी तो जोधपुर में है। इंटरेस्टिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है इन्होंने। आपका नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र, ओके, नरेंद्र जी। सो चलो चलते हैं। तो यहाँ से हमारा एग्जिट होता है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं और इसका नाम है स्टैचू ऑफ बिलीव। और यहाँ से एक और एंट्री हमने जाना है, वो है क्या? आइल्यूजन। आइल्यूजन एयरजू तो बंद है, एयरजू बंद है, आइल्यूजन। सो एक बार देखते हैं कि कैसा है। उसके लिए यहाँ पे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये रहा, बटे कट बता रहा हूँ। आइल्यूजन यहाँ से है, यहाँ से। सो ये है, लेट्स सी कि कैसा है। सो अभी हम इल्यूजन वाले से होके आए हैं, कुछ वीडियोस कैप्चर करी हैं। ठीक है, जो दिल्ली का वो है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो मतलब लगता है। किसको? दिल्ली वाले इल्यूजन। हाँ, तो ये ठीक है, बट इतना भी खास नहीं था। ठीक है, चलो। सो अब यहाँ की लोकेशन देखोगे ना तो ये है, और यहाँ से शिव जी की मूर्ति दिखती है, और यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट है। हाँ, अभी हमने शूज लेने हैं, शूज लेके फिर हम चलते हैं फटाफट से।
फाइनली हमारा स्टैचू ऑफ बिलीव हो चुका है। बढ़िया एक्सपीरियंस था, जो इल्यूजन था वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बाकी ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस था ऊपर तक जाने का। पर चलने का बहुत है, चलने का बहुत ज्यादा है, तो पार्किंग इतनी दूर है, करीब ये 1.5-2 किलोमीटर होगा। हाँ, 1.5 किलोमीटर तो आराम से। हाँ, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए, 4 किलोमीटर चल ही देते, 4 किलोमीटर चल लेते हैं, तो गलत है, ये थोड़ा होना चाहिए। टॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन के उसके चार्जेस बहुत ज्यादा है, बट गोल्फ कार के 100 रुपीज है। हाँ, और टॉय ट्रेन के 50 रुपीज, टॉय ट्रेन के 50 रुपीज। सो ये जो बनाया है मिराज ग्रुप ने बनाया है, 2012 में शुरू हुआ था और 2022 में, 2022 में ये कम्प्लीट हुआ है मिराज ग्रुप की तरफ से था, राइट। और 800 करोड़ की उसमें लगा है ये, उन्होंने बताया है, अब मुझे नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, सही होगा 800 करोड़ के करीब। बीच में नेताओं ने बाद में सो कुछ और भी बात थी। सो अब एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं से आप माथा भी टेक लो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगली अब डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। मैंने सोचा था यही वीडियो रखूंगा, बट यहाँ आगे तो ये जगह मुझे बहुत चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, टाइम नहीं है, टाइम बचा रहे हैं, कमेंट करना, शेयर करना, एंजॉय करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।